अरे गुलाब का फूल, गुलाब नहीं जानती है? रोज हा? रोज कैसा दिखता है? रोज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय सिया राम जी, राधे कृष्णा जी, सबको कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और देखिए जी, आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सूर्य देवता को पानी चढ़ाने से। आज है वीरवार, जेठा वीरवार, और मेरा है आज व्रत। चलिए चलते हैं। ये लगाए थे हमने कल रात को प्याज, और ये देखो यहाँ पर रह गए। वहाँ पे है हमारे केले का पेड़, वहाँ जाना है मुझे पानी चढ़ाने। यहाँ पे हमने पेड़ों की जो है ना, ये देखिए प्रूनिंग करी थी, इस वजह से यहाँ पे निकलना मुश्किल हो रहा था पानी चढ़ाने के लिए। अभी मैं निकल चुकी हूँ वापस, और चलिए चलते हैं घर। ओए मेरा कृष्णा, तो आप क्यों आए इधर? आप क्यों आए इधर? बेटा हर वक्त टीवी, बाहर निकलो थोड़ी देर, धूप में निकलो, चलो जाओ धूप में, जब तक धूप है तब तक धूप में रखे लो बाहर, चलो। तो अभी मैंने जो थोड़ा सा पूजन होता है ना सुबह के टाइम, पानी वगैरह चढ़ाना जैसे सूर्य देवता को, वो कर लिया है। और अभी कुछ बनाना पड़ेगा अभी खाने के लिए ना, क्योंकि घास को निकलना है, मैंने काम करना होता है ना, तो मैं ना बहुत ज़्यादा चाय चाय भी नहीं पी सकती। कई लोग चाय पीते हैं ना बहुत ज़्यादा, चाय चाय नहीं पी सकती। तो मैं बनाऊँगी अभी कुछ बहुत ही स्पेशल रेसिपी है व्रत में बनने वाली, चलिए बनाते हैं, है ना। बहुत ही आसान सी, जल्दी से बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और तो ये देखिए, ये यहाँ पर लिया हुआ है मैंने कुट्टू का आटा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लिया, इसको ना मैंने छान लिया है। लेकिन ये ना ऐसे ही होता है, थोड़ा काला काला सा ऐसे ही दिखता है ये, तो व्रत में इसका हम बना के खा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है सेंधा नमक, थोड़ा सा नमक डालूँगी मैं इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का सा नमक हो जाए जो, इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। और यहाँ पर जीरा, अजवाइन, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी अजवाइन, ये देखिए, आप जीरा वगैरह भी डालें यहाँ पे। इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स इस तरीके से, ताकि अजवाइन जो है ना वो पूरे आटे में मिल जाए। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका अच्छे से एक आटा गूंथना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे हम आटा गूंथते हैं बस वैसा ही गूंथना है हमें। आपके साथ एक बार शेयर कर चुकी, लेकिन वो मैंने साबूदाने के साथ बनाए थे, तो अगर साबूदाने को पीसने का, करने का टाइम नहीं है, तो ऐसे ही भी बना सकते हैं, इसके परांठे अच्छे बनते हैं।
गाइज़ अभी मेरा जो है ना नाश्ता वो बन चुका है, लास्ट पराठा जो है ना बन रहा है और जल रहा है, मैं पहले उसी को देख लेती हूँ और अभी मैं नाश्ता करूँगी। तो आप लोग भी बोलेंगे कि ये कैसा व्रत है जिसमें नाश्ता हो रहा है, तो पता क्या है सबकी ना अपनी अपनी होती है कैपेसिटी ना, जैसे वैसे तो व्रत जो होता है ना वो इसीलिए होता है कि हाँ एक दिन हम कुछ नहीं खाते ना, जैसे कम खाते हैं तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो भी ठीक हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5 5 ये और एक वो 6, वहाँ 6 जो है ना ये मैंने बना लिए, 2 मैं अभी खाऊंगी और 2 दिन में खाऊंगी लंच टाइम में। तो पता क्या है, काम करते रहते हैं ना, वैसे मुझे बहुत शौक है, ये देखिए इस तरह के बनते हैं ये, मैंने ना थोड़े करारे करारे करे, मुझे ना करारे अच्छे लगते हैं, तो काम करने के लिए ना एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इसलिए मैं ये बना के खा लेती हूँ। कई लोग होते हैं ना वो बिल्कुल निराहार व्रत करते हैं, तो वैसा मैं नहीं कर सकती, हाँ लेकिन मतलब ये बना लेती हूँ मैं अपने लिए ना। और इसको अभी मुझे घास को जाना है, घर में भी अभी वैसे तो बहुत काम है लेकिन फिलहाल मुझे घास को जाना है क्योंकि गाय को डालने के लिए ना घास नहीं है। तो चलिए खा लेते हैं इसको, आप लोग भी खा लीजिए और अच्छे लगते हैं ये, मैं इसको चाय के साथ खाऊंगी, मेरी जो चाय है ना वो भी बन चुकी है, आ जाएगा ना, जल्दी आइए, दराटी यहीं रखी बाहर गेट के पास है ना, परेशान करते हैं और यहाँ पे भी परेशान करते हैं। गाइस मेरी मम्मा खेत में रोटी बनाती है और घर में जाकर घास काटती है, क्या बात हुई ये तो, सार्थक आपने ये तो बोलना कुछ है? बात भी नहीं हुई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ? क्या कुछ? तो गाइस अभी मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में और मुझे काटना है यहाँ पे घास, लेकिन एक देखो मेरी टांग पे बैठा हुआ है, कैसे काटूँ मैं घास, ये देखो एक इधर बैठा हुआ एक इधर बैठी, कैसे करे काम, चलो दोनों के दोनों काम करना शुरू करो अब। नहीं करेंगे। और मेरा ना व्रत भी है और गाय का व्रत होने वाला है, हर साइड हो चलो हटो, नहीं नहीं आप वहाँ निचली वाली लाइन में लग जाओ, मैं इस वाली लाइन में लगती हूँ, ठीक है चलो 1, 2, 3 गो, काटो डोरी या नहीं काटनी, नहीं डोरी यहाँ नहीं है काटने की जरूरत, तो खेत में काट रही थी घास, उतने में फटाफट से वो जो आती है ना भोपू पे आवाज़ बजती है लाउड स्पीकर पे, सब्जी 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 ताज़ी हरी सब्जी, अब देखो गांव में भी सब्जियों की गाड़ी आनी शुरू होगी, भाई गांव वालों के तो पहले ही सब्जी होती है गांव में ना हरी सब्जियाँ, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जो है ना वो ख़रीदते हैं सब्जी, कई मतलब हर सब्जी नहीं उगती है ना, जैसे हमारे तो जो सब्जियाँ नहीं उगती हैं उसको लेके आते हैं। तो गाइस अभी मम्मा हम खेत से आए हैं तो भी जा रहे हैं हम घर, चलो नहीं अब चलेंगे हम, मैं मेरा पुलटा कट रही हूँ। तो आधे रास्ते में हम पहुंचे ना और सार्थक बोलता मम्मा ये सूखा घास गंदा है, मुझे इससे खारिश हो रही है, मुझे ये घास नहीं लेके जाना है, और नैना भी बोली थी कि मम्मा मेरे लिए आप दूसरा पुलटा काटो ये हरे घास वाला, तो फिर मैंने अपना गडका जो है नीचे रख दिया था, और हमारे लहसुन में ना हम साइड साइड में लगा रखते हैं देखो यहाँ पे जोई, तो पानी पड़ने की वजह से ना ये देखिए लंबी लंबी हो जाती है, आजकल हरा कुछ भी नहीं होता है तो ये आजकल हरा हो जाता है पशुओं को खिलाने के लिए, तो यहाँ पे मैं इनके पुलटे जो है ना वो बांधने लग गई थी, और अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि कैसा कलयुग का जमाना आ गया है भाई, आजकल के युग में जो पहले तो होते थे ना कि बड़े हो जाते थे जब बच्चे तब तो वो अपने माँ बाप को परेशान करते थे, अभी आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो भी अपने माता पिता को मारने से बाज नहीं आते, मतलब आजकल का टाइम ही बहुत ख़राब है। अभी देखिए यहाँ पे सार्थक क्या कर रहा है, मैंने थोड़ी गिराया मेरे बच्चे, आप सॉरी मम्मा मैंने नहीं गिराया, आप पीछे थे मम्मा के, ये मेरा पुलटा है।
खाली चलो ठीक है, खाली चलो ठीक है। ये वाला घास करूँ आपके लिए? मेरे जैसा वाला पुलटा, ये मेरा पुलटा है मम्मा। हाँ चलो जी, हाँ आराम से। हाँ हाँ, हमने घास काट लिया है और हम जा रहे हैं घर की ओर। और नैना और सार्थक को मैंने जई जो होती है ना उसका बांध दिया है पुलटे। इन बोलते मम्मा उसमें कांटे वाला घास है, वो सूखा सूखा है ना तो थोड़ा सा उससे खारिश होती है बच्चों को, तो इसलिए यहाँ पे इनको मैंने हरा हरा काटा। जोई जो है ना वो हमने लहसुन के लगाई होती है क्यारी में ना किनारे किनारे से, तो आजकल हरे चारे के लिए हो जाती है पशुओं के लिए। चलिए मिलते हैं घर में अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 9:20 हो चुके हैं और अभी हुई हूँ मैं काम करके फारिग, और अभी मैं खाना जो है खाऊँगी। तो अब मेरा व्रत जो है वो खुलेगा। यहाँ पे चने की दाल बनाई हुई है, साथ में चपाती है और मीठा मैंने कुछ नहीं बनाया है। तो ये देखिए मीठा तो नहीं बनाया लेकिन मैं ना शक्कर जो है वो खाएंगे थोड़ी सी हम। तो खेत से आने के बाद ना कुछ ज़्यादा कैप्चर कर नहीं पाई, और शाम के टाइम आपको पता ही है कि जो काउ शेड का काम है, कहीं कुछ है, कहीं मतलब खाना बनाया, बहुत सारे काम थे। तो अभी मैं गाय के लिए रोटी रखूँगी, यहाँ पे मीठे से रखते हैं ना, तो इसलिए मैंने शक्कर ली है और इसी से, और चने की दाल जो है उससे मैं खाऊँगी खाना। तो चलिए जी, आप लोग भी खा लीजिए, खाना खाइए और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान ये साल जो है मतलब अब जा रहा है, अगला साल जो है सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और जो कोई भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए क्षार भी बनाया था मैंने भोग। चलिए मिलूंगी आपसे कल एक और नई वीडियो में। जय श्री